A वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग to ऑल my डियर्स चिल्ड्रन आई होप यू ऑल हैव done ऑल योर practices ऑफ preposition. आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं प्रपोजिशंस के जितने भी हमने वीडियोस बनाए उसमें जितने भी हमने डिस्कस किए रूस वो अपने प्रैक्टिस कर लिए हैं प्रपोजिशन के चिल्ड्रन तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्विजेज करने जा रहे हैं लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन ओके आप क्वेश्चन uh, को रीड करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन के तरफ तो ये है आपका पहला क्वेश्चन द क्वेश्चन स्टार्ट विथ पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है द लोकल टीम स्कोरड थ्री गोल्स डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच तो यहाँ पे आंसर्स हमारा क्या होगा एट होगा फोर होगा इन होगा ऑन होगा द लोकल टीम स्कोरड थ्री गोल्स जो लोकल टीम है उन्होंने कितने गोल्स स्कोर किए हैं तीन गोल स्कोर किए हैं डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच लिखा हुआ यहाँ पर अब यहाँ पर मैं हिंदी में नहीं बताऊँगी वरना आपको आंसर्स इमिडिएट पता चल जाएगा तो आप ट्राई करो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आई होप आपने आंसर दे दिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते इसका आंसर क्या है वेल डन चिल्ड्रेन दोज डन द करेक्ट आंसर द आंसर वुड बी इन आंसर क्या होगा इन होगा यानी कि लोकल टीम ने कितने थ्री गोल स्कोर किए हैं कितने हाफ में फर्स्ट हाफ में तो मे का इंग्लिश uh, क्या होता है इन होता है ठीक है तो आई होप यू ऑल हैव डन करेक्ट आंसर चिल्ड्रन चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइलैंड इज सो स्मॉल दैट देर आर ओनली फाइव हाउसेस डैश एट क्वेश्चन तो सोचना होगा हाँ huh? क्वेश्चन को सोचना होगा और साथ ही साथ आंसर भी सोचना होगा बच्चों तो इसके आंसर क्या होंगे द ऑप्शंस आर ऑन एन ओवर आउट इन चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए उसको सोचो और आंसर करो तो so, मुझे लगता है सब ने आंसर्स चूज कर लिए होंगे तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो so, आंसर क्या होगा इसका ऑन इट सो द आईलैंड इज सो स्मॉल दैट दे आर ओनली फाइव हाउसेस ऑन इट मतलब कि आइलैंड जो है बहुत ही छोटा है जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे सिर्फ पाँच ही घर हैं ठीक है तो मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और आप आंसर्स दे रहे होंगे अपने तरफ से है ना बच्चों और अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको आंसर्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसके आंसर्स प्रोबेबली क्या हो सकते हैं ठीक है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही सॉल्व करने में हेल्प होगी आपको क्वेश्चन ठीक है तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है हमारे क्विजेस है जिसमें हम ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट हाफ में भी हम लोग और भी क्वेश्चन के साथ रहेंगे जो थोड़ा इससे टफ होगा सो so, डू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं अब यहाँ क्वेश्चन फिर से आ गया परेशानी तो बढ़ गई है क्योंकि हमें सोचना है कि आंसर क्या होगा है ना तो आगे बढ़ते हैं हम इसको मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वाइल्ड डैश वेन द जंगल वॉज क्लियर्ड तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स के स्पीशीज़ थे जब जंगल को साफ किया गया तो वो उसको हटा दिए गए तो इसमें से आंसर क्या होने चाहिए आपके ऑफ अवे ऑफ एंड आउट आपने बेसिकली आपने पढ़ा होगा ऑफ़ का यूज हम कहाँ करते हैं अवे का यूज़ कहाँ करते हैं ऑफ़ का यूज कहाँ करते हैं है, और आउट का यूज़ कहाँ करते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये आंसर्स देने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए है ना तो हम अपने आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तो हमारा आंसर है आउट वाइप्ड आउट उसको बाहर कर दिया गया ठीक है उसको क्लियर करने वक्त जंगल को जब क्लियर किया गया तो वहाँ से जितने भी इंसेक्ट्स थे बहुत सारे उसके स्पीशीज थी उसको हटा दिया गया वाइप आउट कर दिया गया एंड वेल डन दो आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स चिल्ड्रन ना अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टाफ कोऑपरेटेड डैश द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो स्टाफ है मैनेजमेंट को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं कोऑपरेट करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए और बढ़े तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर सो so, यहाँ पे फोर ऑप्शंस है बच्चों अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर चूज करो सब so, इसके आंसर्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं इसका आंसर है बाय सो इट्स अ क्लैप फॉर यू ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर ओके द स्टाफ कोऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वेल डन चिल्ड्रेन दोज यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स ओके नाउ लेट्स मूव अहेड with our next question okay the next question is you can obtain the answer dash adding the date of birth to this figure hmm you can obtain the answer dash adding date of birth to this figure to aapko क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इस ऑप्शंस में से चूज करना है तो यहाँ ऑप्शन से टू बाय ऑन इन वट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू तो आपको आंसर तभी मिलेगा यू कैन ऑप्टेन द आंसर डैश हैडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर तो ऐसा ना हो कि मैं ही आंसर बता दूँ क्वेश्चन को रीड करते करते तो so, यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना है बच्चों अच्छे से और समझना है कि कौन सी ऑप्शन जो है उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है है ना आप पुट करके देखो टू एडिंग द बाय एडिंग द ऑन एडिंग द और इन एडिंग द वट विल बी द करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का है ना तो ये आपको खुद से सोचना है क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द आंसर हियर ओके हम आंसर तभी करेंगे जब आप एक बार ट्राई करोगे आप आंसर देने की कोशिश करो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द करेक्ट आंसर है ना तो पहले आप ये आंसर देने की कोशिश करो तब हम आगे बढ़ेंगे और इसके आंसर्स को देखेंगे ठीक है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो क्योंकि हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आई विश कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑप्टेन करें तो हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं सो बाय एडिंग जो हम ऐड करते हैं बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर एंड ऑल द बेस्ट डियर चिल्ड्रन इट्स अगेन अ क्लैप फॉर यू ऑल दोज आर गिविंग द करेक्ट आंसर ना लेट्स मूव अहेड विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे इज़ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल डैश द कंट्री तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे कंट्री में है ना सो वट वुड बी द करेक्ट प्रपोजिशन दैट वी कैन फिल इन दिस ब्लैंक सो अराउंड इन अबाउट ओवर सो दे आर फोर ऑप्शंस अराउंड इन अबाउट ओवर सो वट अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर वो आप चूज करेंगे और अपने आंसर्स को मैच करेंगे ओके okay? सो so हम अपने आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और आंसर्स है हमारा ओवर सो इट्स अ वाव दोज आर गिविंग द करेक्ट आंसर ओवर द कंट्री पूरे कंट्री में फैल गया है ये है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी ऑल ओवर द कंट्री तो यहाँ पे हमारे क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट ओवर ऑप्शन डी ना लेक्स्ट मूव अ हैड चिल्ड्रेन सो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इजीन देर वॉज रैपिड डेवलपमेंट डार्श द पोस्ट वॉर यर्स and the answers uh, can be uh, during, towards, among, by बाय तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं अगेन आपके लिए so there was rapid rapid का मतलब होता है जल्दी ठीक है तो there was rapid development बहुत ज़्यादा development हो रही थी dash the post war years पोस्ट वॉर का मतलब वॉर के बाद की जो टाइम होते हैं उसका पोस्ट वॉर्ड ईयर्स कहते हैं या पोस्ट जो भी है उस पर्टिकुलर uh, uh, कुछ भी इवेंट हो रहा है तो उसके बाद के कुछ भी इवेंट को अगर आप uh, उसको डिनोट करना चाहते हो तो उसको पोस्ट से हम लोग कहते हैं तो वर्ड के बाद की बात हो रही है ये ठीक है सो ड्यूरिंग और टुवर्ड्स अमंग बाय तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए जस्ट चूज़ योर आंसर एंड देन मैच इट और हम आगे बढ़ेंगे अपने आंसर के साथ ंग पोस्ट वॉर इयर्स मतलब पोस्ट वॉर ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ उस ड्यूरेशन में उस ड्यूरेशन मतलब कि अगर यहाँ पे पोस्ट वॉर ईयर चल रहे थे तो इस ड्यूरेशन में ये एक्शन हो रहा था रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रेन सो लेट्स मूव विद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट डास्ट टूरिस्ट इंजॉय द विजिट टू दाटिक फैक्ट्री तो वॉट इज दिस मोस्ट देश टूरिस्ट बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इन्जॉय किए क्या इन्जॉय किए द विज़िट टू द batik फैक्ट्री एक्चुअल कोई बटिक फैक्ट्री है वहाँ पे उनको विजिट करना बहुत ही अच्छा लगा सो वॉट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द आंसर ऑफ दिस बिटवीन विथ ऑफ एंड ऑफ सो या फोर ऑप्शन है, अगेन आपके लिए और आपको चूज करना है करेक्ट आंसर आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बच्चों आई होप यू ऑल हैव चूजन योर आंसर्स आपने अपना आंसर चूज कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर के साथ मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट बहुत सारे से टूरिस्ट हैं मैंने जब हिंदी बोला तभी उस हिंदी में ही आपके आंसर्स छुपे हुए थे बच्चों तो आपको ध्यान देना है ठीक है आप खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में सो नो बडी इज़ देयर यू नो तो रिसाइट एवरी थिंग इन हिंदी आपको हिंदी में कोई नहीं समझा तो आपको क्वेश्चन से समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की जा रही है है ना तो आपको समझना है क्वेश्चन को रीड करके ठीक है अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ एंड देन सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस कैसे आएगा ये ये कैसे समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कौन सा प्रपोजिशन इसके साथ सही होगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर्स जो होंगे वो परफेक्ट होकर होते जाएंगे ठीक so है सो आई विश दैट एवरीबडी इज़ डूइंग द परफेक्ट जॉब टुवर्ड्स देयर स्टडीज़ है ना अपने स्टडीज़ की तरफ पूरी फोकस कर रहे हैं आप लोग और आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हो तो आंसर्स जितना ज़्यादा दोगे आप उतना ज़्यादा आपकी जो वकेबिलिटी है जो आपके प्रपोजिशन है इवन कोई भी टॉपिक है वो आपका स्ट्रांग होते जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ क्विजेस भी सॉल्व करने हैं ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे ट्रैक रंस डैश द रिवर बाय द रिवर ऑन द रिवर ओवर द रिवर एंड अक्रॉस द रिवर क्या होगा आंसर तो हम आगे बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ अपने so, हमारा आंसर हो जाएगा अक्रॉस द रिवर वेल डन चिल्ड्रेन हु आर गिविंग द करेक्ट आंसर ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ओके ना लेट्स मूव अहेड विद विथ आर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू मोर क्वेश्चन टू यू ऑल चिल्ड्रेन ओके सो ना द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट विथ ऑन हियरिंग द साइरन आई पुल्ड डैश एंड स्टॉप द कार साइरन का मतलब जब आवाज़ सुनते हैं हम है ना आपने uh, पुलिस जीप की देखी होगी जब पुलिस uh, आते हैं तो उनका साइरन बजता है आपने ये भी सुना होगा जब हॉस्पिटल uh, लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं तो एम्बुलेंस भी क्या होता है एम्बुलेंस जब गुजरता है तो वो भी साइरन के साथ जाता है तो सायरन जो डैट पर्टिकुलर जो साउंड आती है हमें है ना सो ऑन हियरिंग दायरन आई पुल्ड डैश एंड स्टॉप द कार आई पुल्ड वॉट आई पुल्ड ओवर आई पुल्ड ऑफ आई पुल्ड अप आई पुल्ड इन वट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द आंसर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है है ना तो आपको ये सोचना है बच्चों और आप uh, कैसे करोगे ये सपोज मुझे आंसर लग रहा है ओवर होना चाहिए क्यों लग रहा है ओवर होना चाहिए है ना सो दैट यू नीट टू अंडरस्टैंड क्या करना है इसके लिए आपको ओवर से रिलेटेड आपको ऑफ से रिलेटेड आपको अप से रिलेटेड इन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके उससे मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ है ना? सो so अब हम आगे बढ़ते हैं विद आर नेक्स्ट आंसर ओवर ओके आई पुल्ड ओवर सो ऑन हियरिंग दायरन आई पुल्ड ओवर एंड स्टॉप्ड द कार मैंने स्टॉप कर दिया अपना कार दैन ठीक है तो ये सारी प्रैक्टिस से आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश्ड डैश फाइव और टेन मिनट्स सो यहाँ पर कोई बोल रहा है कि मेरे लिए वेट कर लो क्योंकि वो फिनिश कर लेगा कितनी देर में फाइव और टेन मिनट्स में सो नाओ द आंसर कैन बी एट द आंसर कैन बी फोर द आंसर कैन बी इन एंड द आंसर कैन बी एट इज वेल तो आंसर क्या हो सकता है आंसर इट भी हो सकता है फॉर भी हो सकता है इन भी हो सकता है और ऐट भी हो सकता है सो नाओ वॉट इज़ योर आंसर दैट यूनिटी चेक ओके आपका आंसर क्या है ये आपको चेक करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर ठीक है सो हम आगे बढ़ते हैं विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दैट इज़

हम आगे बढ़ते हैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों माय अंकल हु इज अ बिजनेस मैन ऑफ इन ट्रैवल्स डैश एयर क्वेश्चन इज माय अंकल हु इज अ बिजनेस मैन सॉरी ऑफ इन ट्रेवल्स डैश एयर ऑफ इन ट्रेवल्स फ्रॉम एयर ऑफ इन ट्रेवल्स ऑन एयर इन एयर और बाय एयर वट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द आंसर ऑफ दिस आपको क्या लगता है फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं और ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं है ना मैंने याद है आपको ऑन uh, से बताया था यूजेस क्योंकि हम यहाँ पे यूजेस डिस्कस नहीं कर रहे सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट चिल्ड्रन बिकॉज दिस इज़ योर क्विज टाइम क्विज टाइम इज लेट्स सी हाउ मेनी आंसर्स ऑफ योर्स आर करेक्ट मतलब कितने आंसर्स आप करेक्ट कर पा रहे हैं? ये हमें चेक करना है ना और अब जिसको भी डाउट हो रही है सो यू गो बैक एंड चेक दोज वीडियोज़ ऑफ प्रपोजिशन ठीक है आप फिर से वापस से वीडियोस देख के उसके बाद क्विजेज सॉल्व करने की कोशिश करो फिर से एंड आई होप दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ओके सो आई विश कि सारे बच्चे जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको खुद से ओके डोंट वेट फॉर माई आंसर्स जस्ट यू नीड टू ट्राई आपको खुद से ट्राई करना है आप मेरे आंसर्स के लिए वेट नहीं करेंगे आपका आंसर अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए और चेक करना है कि मेरे इतने आंसर्स सही हुए हैं आउट ऑफ ट्वेंटी मेरे इतने आंसर्स रॉन्ग हुए आउट ऑफ ट्वेंटी सो उन आंसर्स जो रॉन्ग हो गए उस पर वर्क करना है फिर से ओके क्यों रॉन्ग हुए क्या मैं इसको समझ नहीं पाया या कुछ भी डाउट हुआ ऑल राइट बच्चों ओके तो हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के साथ सो बाय एयर एयर के थ्रू जाते हैं और राइट सो आई होप एवरीबडी हैज इज गिविंग द करेक्ट आंसर ना और जिसके भी आंसर्स करेक्ट नहीं हो रहा है डोंट गेट डिसहार्ट इन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है बस आपको फिर से एक बार रिविजन की जरूरत है एंड देन अगेन यू ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन ठीक है फिर से आपको ट्राई करना है फिर से वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ऑल राइट right, बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे My aunt has invited me to her place. Dash, 3 o'clock this afternoon. Dash, T. so yahan यहाँ पे दो दो hai my aunt has invited me do दो दो ke के लिए यहाँ पे दो दो bhi भी दे रखे यहाँ पे on, to यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर सपोज आपने इसको चूज़ किया है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आपने चूज़ किया है ऑन और सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या है उसके आपने टू सो दैट यू नीड टू सॉल्व लाइक दिस मान लीजिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑन होना चाहिए तो सेकंड में क्या होना चाहिए टू होना चाहिए तो आपको चेक करना है अच्छे से इन ऑप्शन को उसके बाद ऑप्शन को चूज करना है ऑन टू एट फॉर फ्रॉम फॉर ड्यूरिंग सो दैट सो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर दैट यू नीड टू चेक सो यू टेक थ्री सेकेंड एंड देन ट्राई टू सॉल्व वन टू एंड थ्री सो आई होप यू हैव चूजन यू आंसर्स चिल्ड्रन तो मुझे लग रहा है कि आपने आंसर्स चूज़ कर लिए अपने तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर्स के साथ इसका आंसर क्या होना चाहिए सो दोज हु द करेक्ट आंसर अ क्लाब फॉर यू ऑल चिल्ड्रेन सो माय आंट हैज़ इनवाइटेड मी टू हर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम को जब बोलते हैं तो क्या यूज़ करते हैं एट एट थ्री ओ दिस आफ्टरनून फॉर वॉट किस चीज़ के लिए फॉर नाउ वेल डन दोज हैव गिवन द करेक्ट आंसर

ओके एंड आई विश दैट यू ऑल्सो रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओके पहले क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से उसको समझना है ठीक है आप ऑप्शंस को रख के चेक करो कि आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होने चाहिए ठीक है आपके ऑप्शंस अगर आपने ऑन फुट uh, किया है इन फुट किया है बाय फुट किया है फ्रॉम फुट किया है सो so क्या आपका आंसर्स करेक्ट हो पा रहा है ओके सो जस्ट रीड इट आउट चिल्ड्रेन क्वेश्चन को रीड करिए एंड देन आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए सो आई गिव यू थ्री सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन इज वेल यू मस्ट है रीड इट आपने इसको रीड कर लिया है तो so, हम रीड करके उसके बाद उसके आंसर्स का वेट करते हैं सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग वन टू एंड थ्री एंड आई होप यू हैव चूजन यू आंसर आई नो दैट आई एम गिविंग ए वेरी लेस टाइम बहुत कम टाइम दे रही हूँ मैं Uh, लेकिन बच्चों आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो उसके बाद आंसर्स आप उसके ढूंढ सकते हो ठीक है एंड देन उसके बाद आंसर्स आप मैच कर सकते हो हमारे आंसर के साथ विद योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट ओके हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं तो so इसका आंसर क्या होगा टाउन ऑन फूट ओके सो ऑन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन now we'll move ahead with our next question that is question number 15 this present is dash my grandmother okay this present is at my grandmother this present is on my grandmother this present is by my grandmother or by, uh, from my grandmother so what according to you can be the answer answer? okay so you need to read the question first You read the question could read karo उसके बाद ऑप्शन फिल करके आप आंसर समझने की कोशिश करो कि इसका आंसर अगर हम फिल करते हैं ऐड तो इसका मीनिंग क्या होगा ऑन फिल करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा एंड देन ट्राई टू आंसर इट ओके सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर विल मूव अहेड विथ आर आंसर वेल ओके तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपने सो फ्रॉम माय ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर से मिला है है ना दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर नहीं भेजा है इसको ओके okay. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों शी हरियड टू द सुपो मार्केट डैश शी माइट गेट सम थिंग्स डैश इट क्लोज सो अगेन एज वी हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बिफोर ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है जिसमें टू ब्लैंक्स थे और उसके टू ऑप्शंस भी दे रखे थे है न तो so, वैसे ही आपको चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैंक के लिए सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड ब्लैंक के लिए सो so, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है बच्चों सो हियर आई एल काउंट डाउन टिल टेन ओके टेन काउंट डाउन और उसके लिए आपको रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे से और उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करके उसके आंसर्स देने हैं तो काउंटिंग हियर टेन नाइन एट सेवन फाइव फोर थ्री टू and it's going right now. It's वन Children, I hope you have read the uh, question first. अब question read कर लिया आपने उसके बाद answers choose करके देखा है आपने आपके answers क्या correct हो रहे हैं okay? तो हम आगे बढ़ते हैं अपने answers के साथ इसका answer क्या होना चाहिए सो आंसर आंसर वुड बी सो दैट शी हड इट टू द मार्केट क्यों मार्केट वो दौड़ के गई क्यों जल्दी में थी क्योंकि सो दैट शी माइट गेट सम थिंग्स ताकि वो कुछ चीज़ें ले ले बिफोर इट क्लोज मतलब कि शॉप के क्लोज होने से पहले सुपर मार्केट के क्लोज होने से पहले वो सामान खरीद ले इसलिए वो क्या थी बहुत ही जल्दी में दौड़ के गई So this is the answer of this. I hope you have understood, children, and you are also trying best. Okay, I hope you all are doing best. Okay, a thumbs up for you all, children. Okay, those who are going, uh, you know, very uh, right on this right path, on the correct answer, uh, very well done to you all, children. Thank you so much. Those who are giving the correct answers after watching the videos, thank you. Now let's move ahead with our next question, and our next question is. ट्रैवलिंग डैश एयर इज़ फास्टर दैन ट्रैवलिंग डैश सी दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर इज़ रियली वेरी ईजी एंड आई होप आई शुड बी कैप्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली इज इंट इट कोई बात नहीं क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों अब ट्राई करो आंसर को ढूंढने की ट्रैवलिंग डैश एयर इज़ फास्टर दैन ट्रैवलिंग डैश सी ये तो हम जनरल डेज़ में भी यूज़ करते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि पैरों से हम जल्दी पहुँचेंगे अगर हम कार्स के कंपैरेटिवली चले या फिर कार से जल्दी पहुंचेंगे अगर पैर के कंपैरेटिवली कंपेयर करें इसको तो तो आपको क्या लगता है ट्रैवलिंग डैश एयर इज़ फास्ट दैन ट्रैवलिंग डैश सी सो नाउ अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है किससे ट्रैवलिंग करना ज़्यादा सही होगा सो नाउ द ऑप्शन इज ऑन ऑन बाय बाय इन ऑन बाय एट

तो आप टू एंड हाफ आवर में पहुंच जाओगे लेकिन सी के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता है ना सो so वैसे ही बड़े बड़े आ, आ, देशों में लोग जाते हैं तो सी को भी आ, प्रेफरेंस देते हैं सी के थ्रू भी जाते हैं सी मोड से जाते हैं सो इट्स अबाउट दैट कि किसके थ्रू हम जल्दी पहुंच सकते हैं ठीक है तो एयर से हम फास्टेस्ट पहुंच सकते हैं और सी से थोड़ा उससे स्लो पहुंचेंगे ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ओन कैनॉट बी द आंसर बच्चों क्यों नहीं होगा ऑन क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज़ सरफेस से लगी हो उसमें टच हो रही हो उसे के कांटेक्ट में तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं इवन डेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं हम ऑन का दैट इज़ अनदर टॉपिक दैट यू नीड टू गो थ्रू द वीडियोस एंड चेक वंस अगेन ओके दोज हु आर गिविंग द डिफरेंट ऑप्शन सो वाई दे आर इनकरेक्ट क्यों गलत हो रहा है बच्चों आपका जिसका भी रॉन्ग हो रहा है वो आप वीडियो फिर से देखो और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन और जिसके आंसर्स हो रहा है वेल डन चिल्ड्रन okay once again and we'll move ahead with our next question and the next question is my parents are going to china dash a holiday dash september once again there are two blank and two options have been given so just read it out and then answer the question what can be the answers in at for in so that for during i'll give you three countdown children and you need to solve this question. Okay. One, two, and it's three. So I hope you have chosen your answer, children. Once again, I'm going to read the question as well as the option. My parents are going to China dash a holiday dash September. So my parents are going China holiday September. So in a holiday at September. for a holiday in September, so a holiday that September, फॉर a holiday during September. So now यू need to understand what the question is saying and what can be your answer. आपके questions क्या बोल रहे हैं और आपका answer क्या होना चाहिए तो हम answers की तरफ बढ़ते हैं तो क्यों जा रहे हैं हम लोग एक holiday के लिए और किस month में जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर सो उसके अंदर सेप्टेंबर के अंदर ही जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इनका यूज़ करते सो द ऑप्शन बी वज करेक्ट राइट थैंक यू सो मच दोज आर गिविंग द करेक्ट आंसर बच्चों अब हमारे पास टू मोर क्वेश्चन हैं नाओ दोज हैव नॉट गिवेन इट येट जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चन माई ग्रैंड मदर डाइड डैश सेवन पी एम डैश ट्वेल्थ ऑगस्ट नाइनटीन एटी नाइन सो वॉट इज़ योर आंसर जस्ट टेक द क्वेश्चन एंड रीड द ऑप्शन इज वेल एट इन एट ऑन इन ऑन बाय ड्यूरिंग सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों मुझे लगता है आपने आंसर्स चूज़ कर लिए क्योंकि हमने डेट के लिए इवन टाइम के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं ठीक है एट का यूज़ कहाँ करते हैं इनका यूज़ कहाँ करते हैं ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं ड्यूरिंग का यूज़ कहाँ करते हैं इवन बाय का यूज़ कहाँ करते हैं ये सब हमने डिस्कस कर रखा है एंड आई होप दैट यू ऑल हैव रेड द चैप्टर प्रॉपरली यू हैव सीन द वीडियो यू हैव डन प्रैक्टिस सो आपने ये भी क्वेश्चन सही ही किया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर को रिवील करते हैं सो एट सेवन पी एम एक पर्टिकुलर टाइम है पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम एट और किसी पर्टिकुलर डेट के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं सो वेल डन चिल्ड्रेन दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर वेल डन ना लेट्स मूव अ विद आर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ आर लास्ट क्वेश्चन आई इंटेंट टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश दिस so what will be the answer this question is really very easy and i hope you have already chosen your answer bachcho to ye question ka answer kya ho sakta hai by on for during four option have been given to you and choose the correct answer to ye last question hai hamara aur main chahti hu sare ke answers kya ho jaye sahi ho jaye so आप questions अगर आपको read करना है दो बार read करो तीन बार read करो लेकिन answers सही होने चाहिए all right? so let's move ahead to reveal the answer of this question and the answer of this question is during this weekend weekend is time time, so this weekend kanda weekend the duration mein mein ke use hum, during i ka use during. so i intend to visit my grandparents during this weekend and wow well done children those who have given all the correct answer all the very best for your examination we will meet again. Okay, uh, this is not only uh, 20 questions, there are many more questions that we are going to discuss in the next video. Okay, so do watch the next video and try to solve all those questions once again. ओके okay? हम नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे और उस नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सो आई होप दैट एवरीबॉडी विल बी यू नो वाचिंग दोज वीडियोस सारे वीडियोस देखो और उसके साथ साथ अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसमें क्या यूज़ किया हमने प्रपोजिशन क्यों यूज़ किया प्रपोजिशन और जिसके भी आंसर्स रॉन्ग हुए उसके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आप वीडियोज़ फिर से देखो उसके आंसर्स ढूंढो ठीक है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है बच्चों क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है हमारे एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए वेदर इंग्लिश लिटरेचर से और ग्रामर से और ये कैसे आएगा ये प्रैक्टिस से आएगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा सॉरी उत उतना ज़्यादा उत, से ज़्यादा आपके क्या होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ठीक है जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा है ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सॉल्व करो चैप्टर्स को चैप्टर्स को सॉल्व करने के बाद ये क्विजेस सॉल्व करने की कोशिश करो क्विज़ेस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो ये बेसिकली आपके जो स्मार्टनेस uh, uh, है सोचने की क्वेश्चंस को समझने की ये बढ़ाता है ठीक है तो क्विजेस को जरूर आप अटेम्प्ट करें बच्चों ठीक है इसके बाद आपको क्या होंगे ना इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपके ये भी क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं ओके सो अल मीट यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन विद द नेक्स्ट क्वेस ओके थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन फॉर बींग विद आस फॉर बींग विद मी ओके मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मुझे मैं आशा करती हूँ कि सभी के आंसर्स करेक्ट हुए होंगे और जिसके नहीं भी ये हुए होंगे उसके लिए भी एक क्लैप बच्चों आपने ट्राई किया ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्विज करेंगे तो उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए कैसे होंगे ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस से ओके थैंक यू सो मच बच्चों फॉर दिस क्लास आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू